पहले दौर में तुम्हें मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाना होगा। मुझे आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। पास्ता? मुझे नहीं पता कि स्पेगेटी कैसे पकाना है, और ऊपर से ये पैकेट भी नहीं खुल रहा है। उफ़, मैं क्या करूँ? एमा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें बॉक्स खोलना होगा यहाँ से। अरे नहीं, अब सारी स्पेगेटी कमरे के चारों ओर फैल गई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जल्दी से एक साथ रख देती हूँ। हाँ देखो, अब सब ठीक है। स्पेगेटी को प्यार से संभालने की जरूरत होती है, तभी वे सच्ची में स्वादिष्ट होंगे। हाँ देखो, इस तरह से रख दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सहमत हूँ, लेकिन नूडल्स पकाने का हर किसी का अपना तरीका होता है। चलो अब चीज पकाने का समय है। हमें प्रोटेक्शन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए चेहरा ढकना होगा। और अब चीज पकाने का समय आ गया है। ओह, कितना भयानक! बेचारा चीज, उसे बंदूक से मारने की क्या जरूरत है? दरअसल मैं इसे ऐसे पिघलाती हूँ, और इस तरह यह सबसे स्वादिष्ट निकला। अब मैं इसमें स्पेगेटी डंप कर सकती हूँ, फिर यह बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं भी कुछ चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए काफी होगा कि मैं इसे स्पेगेटी में सीधे ग्रेट करती हूँ। मैं यहाँ एमा से सहमत हूँ, मुझे बस चीज को बहुत सावधानी से रगड़ना है। मैं इसके लिए एक विशेष बैग का उपयोग करती हूँ, इस तरह से। देखो जरा सभी इधर उधर नहीं फैला। अरे, जलने की बदबू क्यों आ रही है? मैं नूडल्स पर ध्यान रखना कैसे भूल गई? हाँ, बेन निश्चित रूप से यह नहीं चाहेगा। मुझे तुरंत कुछ सोचना होगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी वर्म्स परफेक्ट है। इसे कहते हैं पास्ता। बेन निश्चित रूप से यह पसंद करेगा। चलो देखते हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। शायद बीच से शुरू करना अच्छा होगा। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट पास्ता खाया है, इसने मुझे थोड़ा निराश किया। अब चीज के इस विशाल टुकड़े से पास्ता को आजमाने का समय है। हाँ, यह तो स्वादिष्ट लग रहा है। सच में यह बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन इतना कम चीज क्यों है? नहीं, मुझे और चीज चाहिए। नूडल्स नहीं। उफ। ओ, आखिरी डिश ट्राई करना बाकी है। पास्ता बनाने के लिए एक असामान्य तरीका है, मुझे यह पसंद है। वाह, सच में यह अच्छा है। एमा, बधाई हो, तुम्हारा पास्ता सबसे स्वादिष्ट निकला। मुझे सच में गमी और स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत पसंद है। हुर्रे, मुझे पता था कि वह इसे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे भी गमी बम्स बहुत पसंद है। इस दौर में मुझे एक स्वादिष्ट आइसक्रीम चाहिए, तो इसे मेरे लिए तैयार करो। आइसक्रीम कैसे बनाए? हमें तुरंत कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि टिकटॉक में वीडियो मुझे कुछ असामान्य आइडियाज देगा। और यहाँ हुआ है। पर सच्ची में किंडर अंडे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यह इतना आसान है और इतना दिलचस्प है। देखो कितना कूल कार अंदर में मिला। बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि मेरे पोते को पके स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और बेशक वह कीवी भी बहुत पसंद करेगा। मैं ब्लूबेरी के लिए उसके प्यार को नहीं भूलूंगी। तो अभी मैं एकदम सही आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। ये अपने सभी पसंदीदा फल और बेरीज के कॉम्बिनेशन में होगा। और आइसक्रीम के लिए जाहिर है मैं सबसे ताजे दूध का उपयोग करूंगी। मुझे दूध बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा था। दादी रुको, मेरा कार अंदर है। रुको, मुझे उसे बाहर निकालने दो। मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो। ओह, आज तुम बहुत सुंदर हो। ठीक है, मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट फ्रीज करने जा रही हूँ। ओह, दादी कुछ भी नहीं सुनती है। लेकिन मुझे ट्रेन के रूप में आइसक्रीम बनाने का आइडिया आया है। यह सच्ची में बहुत अच्छा है। मैं प्रत्येक कार में थोड़ा नाइट्रोजन डालूंगी, और फिर मैं आइसक्रीम जोड़ूंगी। बेशक
प्रत्येक कार को सुंदर रूप से सजाया जाना चाहिए। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है अभी। इस तरह से आइसक्रीम स्वादिष्ट भी होगा और खूबसूरत भी। तैयार हो गया। और ऐसा करने के लिए मैं ओजवल स्प्रिंकल्स और प्यारे डायनासोर खिलौने का उपयोग भी करूंगी। हाँ, देखो अब कितना सुंदर है। वाह, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब रास्ता बनाओ, खुशी की ट्रेन जल्दी आ जाएगी। ओह, कितना सुंदर है। हमें जल्दी करना चाहिए। सभी ने इतनी कूल आइसक्रीम बनाई है और केवल मेरे पास कुछ भी करने का समय नहीं है। मुझे कार के साथ इतने लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए था। मुझे तत्काल अपने किंडर को रेफ्रिजरेटर में ले जाने की जरूरत है ताकि इसे जमने का समय हो। दादी, आप वहाँ बहुत देर तक नहीं पहुँचेंगी। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, लगता है तैयार हो गया है। दादी, ये तैयार हो गया। यहाँ आपकी आइसक्रीम है। आप टेबल पर जा सकती हैं और मैं भी दौड़ रही हूँ। धन्यवाद। देखो यह कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि बेन सच्ची में इस आइसक्रीम को पसंद करेगा। ओह वाह, इस बार फिर बहुत स्वादिष्ट डिशेस हैं। मैं शायद इस प्यारे किंडर के साथ शुरू करूंगा। ओह वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि किंडर अंडे इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाते हैं। और अब मुझे दादी की आइसक्रीम ट्राई करने की जरूरत है। लेकिन मैं किसे चुनूंगा? यह वाला देखते हैं। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि मेरी दादी भी आइसक्रीम बनाना जानती है। बहुत ही स्वादिष्ट। और यह क्या है? वाह, एक कार। दादी, आप आइसक्रीम के साथ एक सरप्राइज भी दी है और यह बहुत अच्छा है। वाह, यह किस तरह की ट्रेन है? इस तरह आइसक्रीम मेरे पहले कभी नहीं लाई गई है। इस अवसर पर मैं एक सुनहरे चम्मच का उपयोग करूंगा। ओ वाह, और यह आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और यह कितना अलग भी है। सेब और बबल गम और ब्लूबेरी है। और इतनी कूल ट्रेन में भी। शेफ बेटी, मैं हैरान हूँ। ये सच्ची में मेरे जीवन का सबसे अच्छा आइसक्रीम है। मुझे संदेह नहीं था कि सुदौड़ को मैं जीतूंगी। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए लॉलीपॉप बनाओ। मुझे आशा है कि तुम सफल होगे। लॉलीपॉप? मुझे लगता है मैं इस काम को संभाल सकती हूँ। और मेरा लॉलीपॉप हेल्दी भी होगा। मैं चार हाथों से काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि इस दौर में जीत मेरी हो। ओ वाह, मेरे लिए खाना पकाने के लिए दो काफी होंगे। मैं एक लॉलीपॉप बनाऊंगी जिसका बेस स्ट्रॉबेरी जैम होगा। वैसे मैंने इसे खुद बनाया है। इसे सॉस पैन में जोड़ा जाना चाहिए, फिर चीनी और पानी के साथ स्टिर करना है। तो यह लॉलीपॉप कैसे बनाया जाता है? मैं ऐसे आसान काम को संभाल सकती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास कोई जैम नहीं है। लेकिन इसकी जरूरत किसे है जब स्वादिष्ट रंगीन गमी मेरे पास है? उनके साथ मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत रंगीन लॉलीपॉप भी मिलेगा। अब केवल इस चीज को हार्ड होने का इंतजार करना बाकी है। मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना? मैं इस बड़े सेब पर जैम के मिश्रण डालूंगी और ताकि ये जल्द से जल्द सूख जाए मैं इस पर ब्लो करूंगी। प्लेट में रख दिया। अब थोड़ा सा इंतजार करना बचा है। बस थोड़ा और हवा देती हूँ। ओह नहीं, मैंने जितना सोचा था यह इससे मुश्किल है। लॉलीपॉप के लिए मिक्सचर लगभग तैयार है। यह केवल इसे मोल्ड्स में डालना और हार्ड होने तक इंतजार करना है। तब मुझे बहुत सारे छोटे लॉलीपॉप मिलेंगे। यह बहुत प्यारा होगा। देखो, है ना? बहुत प्यारा। मैं उन्हें इस खूबसूरत टर्न टेबल पर चिपका दूंगी। बेन को मेरा आइडिया पसंद करना चाहिए। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि बहुत मजेदार भी है। ओह बेन, यह तय करने का समय किसकी डिश जीतती है।
क्या मुश्किल विकल्प है। मुझे लगता है मैं हरे रंग के ग्लास के साथ शुरू करूंगा। स्वाद एक ग्लास की तरह है। यह किस तरह का लॉलीपॉप है जो ग्लास से निकल भी नहीं पाता है। टर्न टेबल अगली है, यह मस्त लग रहा है और इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, यह पता चला है कि टर्न टेबल पर कैंडी बनाना इतना अच्छा आइडिया नहीं है। बाय। अंतिम डिश है दादी की। मुझे आशा है कि कम से कम आप मुझे निराश नहीं करेंगी। ओह वाह, यह तो स्वादिष्ट है। यह लॉलीपॉप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत नरम भी है। ये बुलजाई है दादी, ये एक शानदार आइडिया है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओह, यह आसान है। चलो बर्फ का एक कटोरा लेते हैं और बर्फ पर एक और कटोरा डालते हैं। चीनी, क्रीम और निश्चित रूप से डाई। यह सब कटोरे में मिक्सर के साथ मिलाया जाना चाहिए। हाँ, यह कितना अच्छा निकला है। मुझे यही चाहिए। और अब फॉर्म और पेस्ट्री बैग की मदद से मैं वहाँ आइसक्रीम डालूंगी। दिलचस्प, बहुत अच्छा। खैर, मेरा अपना रेसिपी है। देखो क्या ताजा स्ट्रॉबेरी है। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। इसे एक कटोरे में डालूंगी और इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिलाना होगा। ओह, मेरा हाथ कहीं जा रहा है। मैं तुम्हें सही दिशा में वापस ले जाऊंगी। मेरा भी अपना रेसिपी है। मैं तरबूज को ऊपर से काट दूंगा और अब मैं अपने ब्रांड न्यू ब्लेंडर के साथ सबको पीस दूंगा। चलो चलते हैं। हाँ, इतना रस, यही मुझे चाहिए। अब मुझे पूरे चीज को एक ग्लास में डालना होगा और बस एक छड़ी डालना होगा। हाँ, ओ दादी, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, चलो इसे फ्रीजर में रख दे। चलो बेन, दादी के लिए दरवाजा खोलो। बस चलो, तुम्हारा भी डाल देती हूँ। हाँ, जो भी है, मेरा आइसक्रीम केक पहले से ही जमा हुआ है। अब मुझे इसे सजाने की जरूरत है। बीच में स्प्रिंकल्स के साथ एक कटोरा होगा और चारों ओर वॉफल कोन्स होंगे। सुंदर, वाह, बुरा नहीं है। मैं भी ताजा स्ट्रॉबेरी के स्लाइस के साथ इसे सजाऊंगी। वाह, ठीक है पेज, इसे जल्द ही खाओ। वाह, सब कुछ कितना दिलचस्प है। वाह, यह केक मेरी आइसक्रीम की तरह है। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ऐसा लगता है कि इस कोन को स्कूप करना होगा। कितना स्वादिष्ट। ओह, वहाँ स्प्रिंकल्स भी है। मैं इसे कोन में डाल दूंगी। यह कितना अच्छा दिख रहा है। ओह वाह, और यह स्वादिष्ट भी है मेरी आइसक्रीम की तरह। चलो ठीक है, और अब मैं बेन की आइसक्रीम को खाऊंगी। ये भी अच्छा दिख रहा है। तरबूज है, लेकिन इसे कैसे काटे, यह काम नहीं कर रहा है। ओह ठीक है ठीक है, तो आज नहीं। दादी, आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए, और फिर से। मुझे यह बहुत पसंद है। दादी, आप जीत गईं। ओह रे, मैं बहुत अच्छी हूँ। और अब मुझे कुकीज चाहिए, या इस तरह का। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? वैसे कुकीज कैसे बनाते हैं? यह आसान है, अब तुम देखोगे। दादी की कुकीज की तुलना में कुछ भी नहीं। मैं कटोरे में दो अंडे तोड़ूंगी, आटा, दूध जोड़ूंगी और अब मैं सब कुछ एक विस्क के साथ मिलाऊंगी। ध्यान से। और बेशक मक्खन। आटा में एक छोटा टुकड़ा और उसके बाद थोड़ी चीनी। अरे हाँ, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैटर होगा। यह केवल सुंदर कुकीज बनाने के लिए बचा है। अब इसके लिए मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। हाँ, अच्छे से। और अब मैं एक टुकड़ा को फ्लैट करूंगी और चम्मच से एक पैटर्न बनाऊंगी। और यहाँ कान के लिए प्रेटजल और नाक के लिए M&M's।
और मैं चॉकलेट से आंखें बनाऊंगी। यह एक प्यारा माउस है। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट। दादी, आपके तरीके बहुत पुराने हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल मिक्सर है, वह कुछ सेकंड में मेरे लिए एकदम सही डो बना देगा। मुझे क्या करना चाहिए? पीनट बटर। चलो थोड़ा खाते हैं। कुकीज के लिए बहुत अच्छा। प्लेट पर एक चम्मच डाला और कैंडी के साथ इसे सजाया। बस इस तरह का। आपको क्या लगता है दादी? ओह बेन, तुम बेमिसाल हो। और यह मेरे लिए कुकीज बेक करने का समय है, तो मैं ओवन खोलूंगी और वहाँ कुकीज डालूंगी। मैं एक टाइमर सेट करूंगी और इंतजार करूंगी। मुझे और कुकीज बनाने की जरूरत है। अरे नहीं, पीनट बटर चम्मच से निकल नहीं रहा। चलो, नहीं, माफ करना शेफ, मुझे मिक्सर को तत्काल बंद करने की जरूरत है। तुमने मेरा कुकी बैटर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि कुकीज निकालने का समय है। क्या खुशबू है। मैं चाहूंगी कि यह पेस्ट को सबसे अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि शेफ मुझ पर गुस्सा है। वाह, और दादी की कुकीज की बात भी नहीं की जा सकती। खैर, अब कुछ भी नहीं कर सकते। पेज शुरू करो। अरे अरे, यह क्या है? यह किसी तरह नहीं दिखता है। मैं वह नहीं खाऊंगी। ओह नहीं नहीं, चलो इन चूहों को आजमाए। वाओ, यह स्वादिष्ट है। आउच, मेरा दांत। यह क्या है? दादी की अंगूठी? ओ नहीं, यह ठीक नहीं है। और बेन ने क्या किया है? यह कुकी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चख के देखती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। मुझे और खाना है। बेन, तुम इस बार जीत गए। सच्ची में, हुर्रे! और इस बार एक हॉट डॉग। आसान, एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। मैं एक सॉसेज लेने जा रहा हूँ और इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगा। इसे जल्दी करने के लिए सबसे ऊंची आंच पर या फ्लिप करने का समय है। उफ, यह जल गया है। ठीक है, तेल जोड़ना शायद बेहतर है। अब यह जलेगा नहीं। सॉसेज को इस पे डालता हूँ। अरे नहीं, मुझ पर गरम तेल पड़ रहे हैं। दादी, मुझे बचाओ। रुको बेन, इसे ढक्कन से ढक दो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यह सच्ची में बेहतर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यह गंध क्या है? बेन, मुझे लगता है कि सॉसेज में आग लगी है। कितना धुआं हो रहा है। अच्छा, फिर से क्यों? शायद हमें और तेल चाहिए। अरे नहीं, अब आग लग गई है। ओह, यह और भी खराब हो गया है। बेन, तुम क्या कर रहे हो? आउच, यह दर्द हो रहा है। यह सही है, हमें पानी डालना होगा। ये तो और आग है और अब बहुत धुआं। और सॉसेज क्या बन गया है? ओह, क्या ठीक है, मुझे डालना होगा इस तरह से। दादी, मैंने इसे ठीक कर दिया अपने आप से। हाँ, अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगा। हाँ बेन, ठीक है। मैं एक टमाटर काटूंगी, ताजा सलाद के पत्ते। सुंदर है। मैं इसे एक बन में डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। और सॉसेज के बजाय गाजर होंगे। ये एक हेल्दी हॉट डॉग होगा। क्या यह सच्ची में एक हॉट डॉग है? अब मेरी प्रोफेशनल ग्रिल एक सेकंड में सही सॉसेज भुनेगी। तैयार। अब मुझे कुछ लाल प्याज और एक ताजा टमाटर काटना होगा। हाँ, और पिकल के बिना यह नहीं हो सकता। मैं इस छोटे पिकल को गोल टुकड़ों में काट दूंगी। मैं सलाद और सब्जियों को एक ताजा बन पर रखूंगी और अपने सॉसेस को ऊपर रख दूंगी। बढ़िया। मस्टर्ड और निश्चित रूप से केचप मुझे स्वाद के लिए मदद करेंगे।
और फाइनल टच चिप्स के टुकड़े होंगे। एक हॉट डॉग को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है कि पेस को ये पसंद आएगा। अरे, यहाँ मेरे हॉट डॉग्स हैं। ये अजीब लग रहा है। मैं इसके साथ शुरू करूँगी। बहुत केचप और कुछ जला हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? मैं खाकर देखूंगी, पर सॉसेस कहाँ है? अकेले सब्जियों से बना हॉट डॉग मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह वाला अच्छा लग रहा है। आ जाओ इधर, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया, यह स्वादिष्ट है। यह 100% विनर है। क्या मैं जीत गई? किसी को शक भी नहीं था। मुझे पास्ता खाना है, बहुत स्वादिष्ट। ओ बढ़िया, मैं इसे पकाऊंगी। तो देखते हैं। किटकैट नहीं चलेगा। पॉपिट वैसे नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या चूहा? वो यहाँ क्या कर रहा है? ओह, और मुझे यही चाहिए। अब मैं स्वादिष्ट पास्ता पकाऊंगी। बढ़िया पास्ता, ये वही है जो मुझे चाहिए। खैर मेरा ठीक है। बढ़िया नूडल, अब इसमें केवल फिलिंग डालना बचा है। मैं मसाले, थोड़ा तिल और निश्चित रूप से गर्म पानी भी डालूंगी, ताकि यह नरम, स्वादिष्ट और रसदार हो। बढ़िया डिश, और तैयार होने में केवल 5 मिनट लगते हैं। ओ दादी, आप क्या कर रही हैं? मैंने अपने चाकू को अच्छे से तेज किया, बस मुझे यही चाहिए। मैं अपने पास्ता के लिए सॉसेस का उपयोग करूंगी। मैं सुंदर सॉसेस और नूडल जेलीफिश बनाऊंगी। तो यहाँ यह रहा, एक बच्चे के लिए एक मजेदार डिश। अब मैं सब कुछ कटोरे में डुबोने जा रही हूँ। उन्हें अब सिर्फ पकाना है। मैं इंतजार करूंगी। पके हुए नूडल्स, मैं शेफ हूँ। मैं अपना खुद का घर का बना हुआ नूडल्स इस्तेमाल करूंगा। मैं डो काट लूंगा और फिर मैं इसे रंग दूंगा। हाँ, इसके लिए मुझे रंगों की जरूरत है। मेरे पास इंद्रधनुष के सभी रंगों का डिश होगा। ऐसा लगता है कि मेरी जेलीफिश तैयार है। मुझे उन सभी को बाहर निकालने की जरूरत है। हाँ बढ़िया, मुझे सुंदर जेलीफिश मिली। और मैं इसे प्यारा बनाने के लिए केचप से स्माइली बनाऊंगी। हाँ, तो हाथ में यह विशेष मशीन। अब मैं अपने अद्भुत रंगीन डो को बेलूंगा और मेरे पास यह खूबसूरत नीले नूडल्स होंगे। अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। बस इसे पकाना बाकी है। मैं बहुत सारे रंगों के नूडल्स बनाऊंगा, लाल, नारंगी, पीला और हरा। और इस तरह मुझे नूडल्स के सुंदर घोंसले मिले। मैं केचप के साथ एक ड्राइंग बनाऊंगा। मेरा सब तैयार है। प्लेट में निकालकर अच्छे से सर्व करना ही बचा है। बोन एपिटी। ओह, यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तो मैं इसे पहले ट्राई करूंगा। बस यह साधारण, बस कुछ ऐसे ही। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतनी खूबसूरत जेलीफिश, बहुत स्वादिष्ट। सॉसेस के साथ कितना स्वादिष्ट पास्ता। मुझे और खाना है, यह लाजवाब है। बहुत बढ़िया दादी। और यह किस तरह के रंगीन कूल नूडल्स हैं, जिन्हें मैं चॉपस्टिक्स के साथ खाऊंगा। मैं एक ही बार में सारे रंग लूंगा। अब चलो रेनबो आर्ट के इस टुकड़े को आजमाए। स्वादिष्ट, लाजवाब, पर कौन सा? मैं किसे चुनूं? यहाँ यह, यह सबसे अच्छा है। मुझे पता था कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम बेस्ट नहीं हो। और अब मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। स्वादिष्ट, मुंह में पानी लाने वाला जूसी हॉट डॉग। मैं यह कर सकती हूँ। सॉसेस, उनके पास वहाँ क्या है? मैं सॉसेस को पैन में फ्राई करूंगी। हर तरफ से फ्राई कर लेना है। अरे वाह, क्या मैं आपसे तेल ले सकती हूँ? मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है, मैं सब उड़ेल दूंगी। हाँ, और चूल्हे को सबसे तेज आंच पर रखूंगी।
बस अब इसे फ्राई करना होगा। ऐसा मत करो, नहीं नहीं नहीं। तेल सभी तरफ उड़ रहा है, कितना भयानक। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब और ऐसा कुछ मत करना। मैंने जानबूझकर नहीं किया। कितना स्वादिष्ट सॉसेज तैयार हुआ है, मैं इसे बन पर रखूंगी। अब इस पर केचप डालना ही केवल बचा है। यह अनोखा होगा, क्लासिक हॉट डॉग का अद्भुत स्वाद। ओह, वह फिर से क्या कर रही है? उसने फिर क्या सोचा? बर्नर पर सॉसेज को भून रही है। लगता है थोड़ा ज्यादा फ्राई हो गया है, देखो फिर भी अच्छा है। लिंडा तुम भी ना, बिल्कुल हमेशा की तरह। और मैं डो बनाऊंगा। सबसे पहले अंडे को दूध के साथ मिक्स करना है। इसके लिए मुझे मिक्सर चाहिए। मैं थोड़ा आटा डालूंगा। मैं तैयार हॉट डॉग का उपयोग नहीं करूंगा, मैं सब कुछ खुद करूंगा। मैं सॉसेज और चीज काट लूंगा और फिर मैं उन्हें एक स्टिक पर लगा दूंगा। मेरी डिश सबसे स्वादिष्ट होगी। अब सबसे जरूरी चीज, मैं और तेल डालूंगा और इन सॉसेज और चीज स्टिक को बैटर और ब्रेड क्रम में रोल करूंगा। वाह, और मैं इस पूरी डिश को डीप फ्राई करूंगा। हाँ, यह शेफ की ओर से एक शाही हॉट डॉग होगा। लेकिन सॉस से कभी किसी का मन नहीं भरता, थोड़ी सी मस्टर्ड, केचप, बस। वाह, यह कलिनरी आर्ट है, मुझे भी ये चाहिए, प्लीज दे दो। इस तरह, और ओह स्वादिष्ट, यह अद्भुत है। क्या इसे कोई खा भी पाएगा? वाओ, कितने स्वादिष्ट खाना। छी, यह क्या है? शायद मैं यह ट्राई करूंगा। ओह, यह काफी स्वादिष्ट हॉट डॉग है। हाँ, और बहुत हेल्दी। अब मैं इसे लूंगा। यह कितना दिलचस्प है, और गंध अद्भुत, कितना मस्त है यह। वाह, ये एक स्टिक पर हॉट डॉग, इसे कहते खाना। इस बार यह जीत रहा है। वाह, मैं सबसे अच्छा हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने इसे पसंद किया। इतने बढ़िया खाना के बाद मुझे कुछ पीने की जरूरत है। मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बेशक मैं इसे तुम्हारे लिए बनाऊंगी आसानी से। मैं पीले स्प्रिंकल और चीनी को एक ट्रे पर डाल लेता हूँ। यह सब निश्चित रूप से एक सुंदर ग्लास के लिए है। पहले ग्लास में मैं शहद को लगाऊंगा। मेरे सुपर यमी टॉपिंग को जोड़ने के लिए किनारे के चारों ओर मीठा स्वादिष्ट शहद, कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं खुद ही ड्रिंक तैयार करूंगा। निश्चित रूप से अधिक बर्फ। मैं इसे घुमाऊंगा और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दूंगा। ओह, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं बर्फ के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट लेमोनेड बना रहा हूँ। वाह, यह एकदम परफेक्ट है। ओह, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं बेहतर लेमोनेड बनाऊंगी। मैं रसदार नींबू लूंगी, सबसे पीले नींबू, सूरज की तरह सुंदर नींबू। मैंने सब नींबूओं को एक जगह पर रख दिया है और अब मैं उन सबको काटूंगी। हाँ, यह दादी माँ का बनाया हुआ एक अद्भुत लेमोनेड होगा। क्या महक है, भव्य। अब मैं उन्हें पानी में निचोड़ देती हूँ। यह रसदार घर का बना नींबू पानी होगा। दादी, आप ठीक से नहीं कर रही हैं। मेरी आंखें। तुम्हारे साथ सही हुआ। अब मैं नींबू के टुकड़े डालूंगी। हाँ, बढ़िया नींबू पानी, इतना रसीला, स्वादिष्ट। वैसे मुझे इसे चख कर देखना चाहिए। ओह, यह क्या है? उफ, मैंने कैसा लेमोनेड बनाया है, कितना खट्टा है। मुझे जल्दी से चीनी खाना होगा। अब ठीक है, शायद मेरे खट्टे नींबू पानी में थोड़ी चीनी मिला देनी चाहिए, तब यह बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। अब ट्राई करने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल वैसा जैसा हमें चाहिए। उनके पास कितना अच्छा नींबू पानी है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, और मैं गमी कैंडी से नींबू पानी बनाऊंगी।
मैं यहाँ सुंदर मीठा स्वादिष्ट जेल एक ग्लास में डालूंगी, गाढ़ा करने के लिए थोड़ा और। तो अब थोड़ा और आइस, ये एकदम सही ड्रिंक है। हाँ, पॉप रॉक तो यहाँ डालना जरूरी है। बस बढ़िया, पर असली आतिशबाजी के लिए अभी भी पर्याप्त पॉप रॉक पाउडर नहीं है। वाह, बिल्कुल सही, जैसा हमें चाहिए। स्केटर्स भी यहाँ डाला जा सकता है, इसे ज्यादा डाला जाना चाहिए, बेबी ड्रिंक है, उसे यह पसंद आना चाहिए। देखो दादी, मैंने कितना अच्छा ड्रिंक बनाया है। ओह, इसे मेरे सामने से हटाओ, यह असली नींबू पानी जैसा दिख रहा है, सबसे अच्छा और उपयोगी। हाँ दादी, आपके पास बहुत अच्छा नींबू पानी है। और शेफ का क्या चल रहा है, देखो और सीखो। ब्लेंडर, मैं ये ताजा ब्लूबेरी लूंगा। वाह, स्वाद बढ़िया है। मैं इसे ब्लेंडर में डालकर चलाऊंगा, मुझे बेरी प्यूरी बनाने की जरूरत है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब इस मिश्रण को पानी में डालना है। एक बहुत अच्छा सुंदर ड्रिंक होगा, रसीला, स्वादिष्ट, स्वस्थ। अब मैं इसे मिलाऊंगा, यहाँ स्ट्रॉबेरी के बिना काम नहीं चलेगा। मैं इसका जूस बना लेता हूँ। वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। ओ, पानी मिला कर लेना चाहिए। हाँ, अब मेरे पास एक शानदार स्ट्रॉबेरी ड्रिंक है। मैं इसे थोड़ा मिला लिया, अब मेरी सामग्री तैयार है। हमें स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी ड्रिंक मिलाने की जरूरत है। अविश्वसनीय रंग, अविश्वसनीय स्वाद और ऊपर स्वादिष्ट सजावट। और यह स्ट्रॉबेरी और बेलिसिमो। और यह रहा। वाह, यह सब कितना अच्छा है। मुझे कौन सा ट्राई करना चाहिए? मैं शायद इसे लूंगा। आह, यह कैसा असहनीय एसिड है। अरे नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। अरे वाह, यह बहुत सुंदर है, मुझे ट्राई करनी चाहिए। बढ़िया है। हाँ, यह सबसे अच्छा है। वाह, यह कितना चमकीला है। वाह, सुपर, यह सबसे अच्छा है, यह जीत गया। हाँ हाँ, मैं जीत गई। उफ, ऐसा कैसे।